मैं तो जो सोचता हूँ कि जो कुछ भी हूँ आज मैं, मेरा नाम निर्मल जैन जरूर है, लेकिन वास्तव में तो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ही मुझे मिला है। मैं तो एक सूत्र वाक्य को मानता हूँ कि जो मुझे मिल रहा है वो मेरी औकात से मुझे ज़्यादा मिल रहा है, और जो मुझे नहीं मिला तो शायद अभी मेरे को, मैं उसके अभी लायक नहीं। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी बलिदानी लोगों की पार्टी है, जिन्होंने अपना जीवन सर्वस्व वार दिया ऐसे लोगों के आगे हम नतमस्तक हैं। मैं मरते दम तक मेरी एक ही इच्छा है कि मैं पार्टी के काम आऊं, पार्टी का आदेश मानूं, यही मेरी इच्छा है। देखिए, मैं तो अपने आप को एक बहुत साधारण परिवार से मेरा ताल्लुक है और उसी तरीके से मैं अपना जीवन जीता हूँ। मैं कोई तड़क भड़क किसी प्रकार से मेरी कोई, मैं सवेरे अमूमन 5:15 बजे उठ जाता हूँ और उठ करके मैं सीधा अपने दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के थोड़ा सा भगवान का पूजा जाप पाठ जाप वगैरह रखा हुआ है 15-20 मिनट का। उसके बाद मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं 6:15 के बीच में मैं अपने जो RSS की हमारी शाखा लगती है यहाँ पीछे रामलीला मैदान पार्क में, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। मैं बालकाल से, मैं दिल्ली के अंदर ही मेरी पहली क्लास से और 11वीं तक मैंने जैन स्कूल से की, उस समय हायर सेकेंडरी होता था। उसके बाद में मैंने श्यामलाल कॉलेज से मैंने BCOM की। उसके बाद में मैंने लॉ सेंटर वन दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने उसमें अपना लॉ की है, और मुझे सौभाग्य है कि मैं बचपन से ही मैं संघ के उसमें फिर रहा, तो इन सब चीज़ों से, मैं कुरीतियों से जो होती हैं, जो पान बीड़ी सिगरेट इन सब चीज़ों से मैं बड़ा दूर रहा हूँ। और कॉलेज में मैं विद्यार्थी, मतलब स्टूडेंट लाइफ में मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ गया, आखिर भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करता हुआ प्रदेश स्तर तक प्रदेश पदाधिकारी के रूप तक मैंने काम किया है। और मैं संघ कार्य के लिए मैंने विस्तारक के रूप में भी मैंने जम्मू में जिला उधमपुर में रियासी तहसील वहाँ भी मैं गया। मेरे पिताजी मेरे गुरु थे, वो भी संघ के संसेवक थे और भारतीय जनसंघ के बड़े राजनीतिक और बड़े प्रखर कार्यकर्ता थे। खुद पिताजी का जीवन पूरा संघ से ही जुड़ा, और सन 1948 के महात्मा गांधी जी के जो हत्याकांड के बाद में जब संघ पर बैन लगा तब पिताजी भी जेल में गए थे। तो बचपन से ही पिताजी की जो एक वो था, जो परिवार के संस्कार थे, वो शुरू से ही संघ परिवार था हमारा। तो उसके बाद में पिताजी खुद इमरजेंसी में, आपातकाल में, पिताजी उस समय भारतीय जनसंघ के जिला कोषाध्यक्ष के पद पर थे, तो पिताजी काफ़ी लंबे समय ही तिहाड़ जेल में रहे, और वहीं पर ही पिताजी की गुर्दे किडनी खराब हो गई और पिताजी को फिर मेडिकल उस पर बेस पर उनको पिताजी को जमानत मिली, और उसके बाद पिताजी यहाँ पर। लेकिन उसके बाद उन्होंने फटाफट अपने, हम 5 बहन भाई हैं थे, और उसमें 4 बहन भाइयों की उन्होंने शादी करी और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। उन्होंने राजनीतिक रूप से मेरे को, और जो भी कुछ उनके संस्कार, व्यापारिक रूप से उन्होंने मुझे पूरी तरीके से धार्मिक, व्यापारिक, पारिवारिक तीनों चीज़ों के अंदर उन्होंने मुझे जितना भी उनको था, लेकिन उनको लगता था कि शायद मैं ज़्यादा, तो वो मेरे को, चूँकि पिताजी बीमार रहते थे और हॉस्पिटल में मैं उनके पास, मैं ही रात को सोया करता था, उनको नहीं, तो मुझे जैसे आदमी की मृत्यु पूर्व, तो मुझे वो सारी घटनाएँ एक एक, तो वो मेरे जीवन में पूरी तरीके से, पिताजी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया प्राइवेट नौकरी से शुरू करके, और वो आज इस मुकाम तक पहुँचे थे। तो पिताजी का एक एक चीज़ मेरे ध्यान में, और फिर मेरी माताजी के बाद, पिताजी की मृत्यु, मेरी माताजी ने घर संभाला पूरा, उन्होंने माता और पिता दोनों का कर्तव्य निभाया और हम सब लोगों पर एक आसरा उनका रहा। और मैं तो ये समझता हूँ जो भी कुछ है माता पिता के आशीर्वाद की बदौलत ही है। जीवन में मेरे चुनौतियाँ कई आईं, जो मुझे सबसे पहली चुनौती तो आपातकाल जब लगा, तो मैं तो कॉलेज लाइफ में था, मैंने श्यामलाल कॉलेज से BCOM फाइनल के पेपर दिए थे, अप्रैल मई में पेपर ख़त्म हुए थे और 25 जून को इमरजेंसी लग गई, उसके तुरंत पश्चात पिताजी को जाना पड़ा जेल में। तो हमने तो दुकान वगैरह का काम, हम बैठते ज़रूर थे लेकिन इतना नहीं था सीरियसली। तो एकदम जब चुनौती आई
तो पिताजी जेल में चले गए, तो एक तो वो सबसे पहले जीवन में आई, फिर उसके बाद पिताजी बीमार रहे, किडनी पेशेंट बन गए, तो उनका डायलिसिस होता था, तो पूरा वो एक बहुत बड़ी चुनौती रही। पिताजी की डेथ के बाद सबको लगता था कि ये परिवार बिखर जाएगा, लेकिन प्रभु के आशीर्वाद से पिताजी ने जो एक तरीके से पिलर अपने जीवन में अपनी मेहनत से गाड़े थे, उनका सबका फ़ायदा मेरे को मिला और हम सब लोगों ने उस चुनौती को पार किया। 1995 में मेरा भाई गुजरा, मेरे से 1.5 साल ही छोटा था, उसकी ऐसे में मृत्यु हुई, वो भी मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा वो रहा। इसके बाद व्यापार में भी मेरे को जीवन में रहा, मेरा जो और उससे छोटा वाला भाई था वो सन 2000 में मेरे से 99 के लास्ट में अलग हुआ, तो मेरे को बड़ा दुख हुआ। मेरा जो छोटा, चूँकि हम 3 भाई हैं, एक भाई 95 में गुजर गया था, मैं अपने भाई से अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन पारिवारिक स्थिति भाई को ऐसा लगा, तो मेरे जीवन को बहुत गहरा दुख मेरे को लगा 2000 में। मैं उसको उभरने में भी मेरे बेटे ने और मेरी पत्नी ने उस समय बहुत मेरे को एक तरह से वो दिया, सपोर्ट करी, उस सदमे से भी मैं उभरा। हम लोग शुरू से बेसिकली हमारे पिताजी ने जो काम शुरू किया था वो वनस्पति घी का काम किया था। हमारे पास दिल्ली क्लॉथ में DCM की हमारे पास पनगढ़ रथ की एजेंसी थी और हम यहाँ पर शाहदरा में उसके बहुत पुराने सप्लायर थे। उसके बाद में हम लोगों ने अपने काम को एक्सटेंड करते हुए हमने 85 में हम लोग जो है हमने 84-85 में हम लोग शाहदरा में उसमें काफ़ी काम चलता था कॉपर वायर ड्राइंग का, हम उससे जुड़ गए और उसको आगे बढ़ते हुए फिर धीरे धीरे हमें लगा कि वो जो हमारा ट्रेडिशनल काम है वो हमने सबसे छोटे बीच वाले भाई जो गुजर गया था उसकी फैमिली को दे दिया और छोटा भाई और मैं दोनों अपना व्यवसाय कॉपर वायर ड्राइंग का जो हमारा था, उसके बाद भाई अलग हो गया। फिर हम 2000 के अंदर हम लोग PVC वायर एंड केबल कर हमने काम शुरू करा, हमने कोई कंपनी किसी की टेक ओवर करके हमने उसमें काम किया, मेरे बेटे ने उसमें काम सीखा और लगातार हम फिर उसमें मेहनत करते हुए आज मैं कह सकता हूं कि हम PVC वायर एंड केबल के अच्छे सप्लायर हैं, अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं। राजनीति तो मेरे, सच पूछा जाए तो मेरे तो ब्लड में थी। मेरे पिताजी को पूरी तरह, मेरे पिताजी पूरा तरह से भारतीय जनसंघ के सक्रिय कार्यकर्ताओं में थे, इतने आंदोलन, पिताजी इतनी बार जेल गए, तो हम मेरे को तो सब देखने को चीज़ें मिलती थी। तो और जो पिताजी का जो जिस तरीके से था वो सब मेरे को, उनके संस्कार, उनके जो चीज़ें थी वो सब, कितनी कर्मठता से काम करते थे, कितने पैदल बचपन से हम बालकाल से उनके साथ जाया करते थे प्रदर्शनों में, और उसमें मेरी माता जी भी जाया करती थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहीं भी भाषण होता था, मेरी माता जी को बड़ा शौक था सुनने का, पिताजी के साथ जाते थे तो हम सब जाया करते थे। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत सक्रिय सदस्य रहा। सन 1980 की स्थापना के समय से ही मेरे को गौरवान्वित हूँ कि मैं सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई फिरोज शाह कोटला ग्राउंड से, मैं उसमें वहीं था हमारे सामने। उसके बाद में बम्बई में प्रथम अधिवेशन हुआ, पिताजी वहाँ गए थे, तो लगातार मुझे सन 1980 में मैं केवल एक समिति का अध्यक्ष था, एक पोलिंग स्टेशन जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद में 5 पोलिंग स्टेशन का इंचार्ज बना, फिर मैं मंडल में कोषाध्यक्ष बना, फिर मैं मंडल अध्यक्ष बना 2004। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं, और उसके बाद में मेरी पार्टी ने मुझे गौरवान्वित करते हुए मेरे को 2 बार जिलाध्यक्ष का दायित्व दिया और 2 बार मैं पार्षद बना हूँ, और आज मुझे मेरी पार्टी ने दोबारा मुझे एक तरीके से मौका दिया है। और पहले तो शाहदरा साउथ जोन का चेयरमैन था पिछले साल, अब इस बार मेरे को लीडर ऑफ द हाउस बनाया है, जो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मुझे कई लोगों के साथ काम करने का मौका, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रभावित किया वो अपने श्रीमान डॉक्टर हर्षवर्धन जी का, मेरे पे बहुत उनको मुझे नज़दीक से देखा, चूँकि वो बराबर के क्षेत्र से विधायक थे, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, उनको देखने का, उनकी कार्यशैली का, और जो जीवन में उन्होंने मूल्य स्थापित किए, मुझे उनके साथ में भी काम करने का मौका मिला। इसके बाद मैं जब मैं जिलाध्यक्ष था तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी थे, उनके
साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला। उनकी भी कार्यशैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया कि किस तरीके से, और प्रदेश प्रभारी के रूप में माननीय वेंकैया नायडू जी जो आज भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो हमारे प्रदेश प्रभारी थे, तो उनके साथ भी बड़ा जिला अध्यक्ष होने के नाते उनके साथ भी बड़ा निकट का उनसे देखना, तो उनका देखा कि किस तरीके से ईमानदारी शुचिता की राजनीति, तो मेरे जीवन में यूँ तो सभी लोगों का है, श्रद्धेय अटल जी अडवाणी जी के बिना तो हम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन वास्तव में भारतीय जनता पार्टी बलिदानी लोगों की पार्टी है जिन्होंने अपना जीवन सर्वस्व वार दिया, ऐसे लोगों के आगे हम नतमस्तक हैं। मेरी सफलता का सबसे बड़ा राज यह है कि एक तो मेरे पे पिताजी का जो मेरे संस्कार रहे घर के परिवार के वो एक मेरे को, मैंने जीवन में हमेशा संतोष को ही अमृत माना कि जो मिल गया वो ठीक है और अपना कर्म करता रहा, और उसमें मेरे परिवार का पिताजी ने जो संस्कार दिए, माताजी ने जो संस्कार रहा, और उसका मेरा पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बिटिया आज डॉक्टर है, MD डॉक्टर है वो, मेरे दामाद भी डॉक्टर हैं, मेरी पुत्रवधू खुद एक स्कूल चलाती है, स्कूल का पूरा, तो मुझे प्रभु की दुआ से मुझे सब कुछ मिला है। मैं तो ये मानता हूँ कि जीवन जो है वास्तव में ये प्रकृति की एक सुंदर अनुपम देन है, हमें जीवन का एक एक क्षण का उपयोग करना चाहिए। परित की इच्छा, दूसरे की इच्छा में हमारे दूसरे के काम हो जाएं, दूसरे के साथ हम खड़े हों, उसके दुख सुख में खड़े हों, उसको लगे, और एक आपसी जो विश्वास और भाईचारा, आपसी समन्वय तालमेल, तो उसके अनुसार हम लोग अपने जीवन को चलाते। मैं तो हर सर्वधर्म में विश्वास करता हूँ, मैं तो जैन कुल में ज़रूर लिया है जैन धर्म में, लेकिन वास्तविकता यह है चाहे सनातन धर्म हो, चाहे आर्य समाज हो, इवन चाहे मेरे को गिरजाघर में भी जाने का मेरे को मौका मिलता है, मेरे को मुस्लिम समुदाय में भी जाने का, सब भी जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं तो सर्वधर्म में जानता हूँ ऊपर वाला एक है और हम सब अपने अपने हिसाब से उसकी पूजा करते हैं। मेरे को बड़ा सौभाग्य है कि जैन कुल में जन्म लेके जैन धर्म की परंपराओं से, और फिर मेरे को अपने राष्ट्रीय संघ के प्रचारक जो उनको नज़दीक से उनकी जीवन शैली को देखा, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ के समर्पित लोगों को जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया परिवार की चिंता नहीं, ऐसे मेरे लोग आदर्श हैं। परम पूज्य मुनिवर तरुण सागर जी महाराज का मेरे जीवन पे बहुत वो पड़ा है, उनकी निश्चल वाणी, निश्चल और भी तमाम हमारे गुरु जितने हैं सभी मुनि महाराज अर्जी का माताएं सभी का मेरे पे जीवन पे बड़ा उनका आशीर्वाद भी मिला और उनका जीवन का मेरे को उनकी शैली का प्रभाव पड़ा है। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बचपन में माँ बाप का बड़ा प्यार रहा, फिर मेरी शादी हो गई तो मुझे मेरी पत्नी मेरी सहभागिनी के रूप में, आज मेरे इस उम्र में मेरे बच्चों का, चाहे मेरा बेटा हो, मेरी पुत्रवधु हो, मेरी बिटिया हो, इन सब का, मेरे मित्रों का, भाई मेरे सारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे साथ अगल और पड़ोस में, सबसे मुझे इतना असीम प्यार और इज्जत और सम्मान मुझे मिला है कि मेरे पास शब्द नहीं है। ये जनता मेरा परिवार है, मैं जब कभी भी कोई जनता की कहूँ सारे काम छोड़ो, किसी को सारे काम जो आप देख रहे हैं सवेरे से किस तरह से मेरे एक एक आदमी से पर्सन टू पर्सन मेरी सबसे मेरी चाहे बच्चा हो, महिला हो, बेटी हो, बहन हो, माता हो, बुजुर्ग हो, सबसे मेरा वो है, और मेरा जनता मेरी जो भी है मैं जनता मेरे मैं ऋणी हूँ जनता का, मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है तो, और समाज हम जहाँ भी अगर पड़ोस रहते हैं समाज है पूरा, तो वास्तव में इसके बिना तो जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। मेरी जीवन शैली सबसे पहला मेरा जीवन शैली है, मैं अपनी जीवन शैली से कभी कंप्रोमाइज नहीं करता, सवेरे मैं डेली मैंने बताया ना आपको मैं 5:45 से उठ करके और मेरी अपनी जीवन रात तक की मैं उसमें कोई कंप्रोमाइज, मेरी खुद की डिसिप्लिन लाइफ है, मैं अपने शब्द क्या मुँह से बोलना है, क्या खाना है, कहाँ लेटना है, क्या मर्यादा से, मैं सब चीज़ों का मैं जीवन में मर्यादा का और अपनी उसका, तो वो सब मेरे जो डिसिप्लिन लाइफ है वो ही मेरे जीवन की वो है। फ्यूचर विजन ये, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ,
पार्टी मुझे जो भी आगे काम देगी, जो भी जिस रूप में देगी, पार्टी जिम्मेवारी दे नहीं दे, जिस रूप में भी दे, छोटा काम बड़ा काम जो भी कुछ है, मैं मरते दम तक मेरी एक ही इच्छा है कि मैं पार्टी के काम आऊं, पार्टी का आदेश मानूं, यही मेरी इच्छा है। तो मेरा जो क्षेत्र रहा है वो निगम पार्षद के रूप में मेरे वार्ड में हमारा काम सबसे बड़ा सफाई का है। सफाई में मेरे को पूरी कोई दिक्कत नहीं आती, हमारी टीम है बकायदा। और अभी मैंने पार्कों का, हमारे यहाँ क्षेत्र में 4 पार्क हैं, चारों पार्कों में मैंने अभी 54 लाख रुपए की लागत से मैंने टेंडर पास करवाए हैं। उन पार्कों का पूरी तरह नवीनीकरण करवा रहे हैं। अभी काफ़ी गलियाँ सड़कें जो भी हमारे पास हैं उसमें जैसी शिकायत आती रहती है। अभी एक बहुत बड़ा कार्य है, अभी आपको नई लाइटें जो हमारी जो उसको LED लाइट में हम उसको तब्दील कर रहे हैं, वो भी हमारे वार्ड में नई लगने वाली हैं। हमारे वार्ड में नया जिम सेंटर खुलने वाला है। एक पुराना हमारा सेंटर वो था मनोरंजन वृद्धावस्था, उस ओल्ड एज रिक्रिएशन, उसमें भी अभी हमने बजट ला करके उसको भी ठीक करा रहे हैं। देखिए, जो आप इंडियन स्टोरी ने ये जो आज कार्यक्रम किया है, मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि आप लोगों ने मेरी, और मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जो लोग शॉर्टकट अपना करके अपने जीवन में जल्दी तरक्की करने का, जल्दी ऊपर आने का जो लोग कोशिश करते हैं, वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। एक स्टेप बाय स्टेप बन करके आगे मेहनत करते हुए, कर्म करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए हम लोग आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से प्रभु की कृपा भी मिलेगी। और हम सब लोग जो भी हैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से जो भी लोग इससे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं या देखते हैं, मैं सबको एक ही बात कहूँगा, हम सब कर्म करते रहें और अपने जीवन को लक्ष्य स्थापित करें, अपने उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर कर्मशील रहें, निरंतर कर्मशील रहें। यही शायद इससे बड़ी ईश्वर की पूजा कोई नहीं है।